अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम 10th क्लास यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 3 का हमारा पहला लेक्चर है, बग़ैर किसी दूसरी डिटेल में जाते हुए, क्योंकि आज एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कवर करनी है। तो यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 आपका नाम है इसका वेरिएशंस। वेरिएशंस अगर उर्दू में देखें तो ये इसे कहा जाता है तगैयरात। तगैयर बेसिकली वर्ड चेंज को शो करता है, तब्दीली को शो करता है। तो यानी जो चेंज होता है अमाउंट्स के अंदर आपका, वो वेरिएशंस कहलाता है। तो यहाँ बेसिक जो चीज़ आपको डिस्कस करेगा, पहली दो चीज़ें, वो रेशियो और प्रोपोर्शन डिस्कस करेगा। फिर प्रोपोर्शनैलिटीज आ जाएंगी, मज़ीद चीज़ें इसके अंदर जो भी हैं आती जाएंगी। तो रेशियो की डेफिनेशन वो डिस्कस करता, कहता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। रिलेशन कहता है ताल्लुक दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, कैसा ताल्लुक होना चाहिए, ऑफ सेम काइंड। वो क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। उसको ब्रैकेट में फिर वो थोड़ी वजाहत करता है कि मैयर्ड इन सेम यूनिट। कहता है सेम काइंड से मुराद कुछ यूं है कि वो मैयर की जाए सेम यूनिट। यूनिट आप जानते हैं, ऐसा यूनिट जैसे लेंथ का मीटर है और टाइम का सेकंड है, फिर इसी तरह वेट का यूनिट है, मास का अपना यूनिट है। तो इन सब चीज़ों के यूनिट होते हैं। करेंसी जैसे होती है रुपीज़ के अंदर, या हर कंट्री की अलग। बहरहाल तो बताने का मकसद ये है कि अगर एक चीज़ मीटर में है तो दूसरी चीज़ भी सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, डेसीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, लेकिन होनी दोनों चीज़ें लेंथ की चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो उसने कहा है कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो साथ में आपके ये वेट दे दे, 5 kg दे दे। तो एक तरफ वो वेट दे रहा है, बेसिकली फिजिक्स की रूप से तो वेट न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे वेट वो kg यूज़ करे अगर कहीं आया। एक तरफ डिस्टेंस दे रहा है तो दूसरी तरफ वो वेट दे रहा है। कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। तो रेशियो की डेफिनेशन के मुताबिक ही कि वो चीज़ें सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। सेम क्वांटिटीज से मुराद कहते हैं मैयर की जाए सेम यूनिट के अंदर, इस कॉल्ड अ रेशियो। वो रेशियो कहलाती है, रेशियो बिटवीन ए एंड बी। उसने दो जनरल अमाउंट उठाई ए और बी, कहता है इज रिटन एज ए रेशियो बी। उनको कैसे लिखा जाता है, ए रेशियो बी, आर इन फ्रैक्शन। अगर रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ए ओवर बी, ए पहले आएगा फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में, और बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आगे नोट देता है ये डेफिनेशन में नहीं है, ये डेफिनेशन से अलग है। तो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट। कहता है ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ तरतीब को शो करता है, तो जज वाला ऑर्डर नहीं है। खैर ये ऑर्डर कहते हैं तरतीब जो है किसी भी एलिमेंट की, रेशो की, इज़ इम्पोर्टेंट, वो अहम है। यानी अगर एक अमाउंट दी हुई है 3:4, तो ये शो करती है ए रेशो बी को। तो अगर आपने इसको लिखा है 4:3, तो पहली जो अमाउंट आपने 3:4 लिखी हुई है, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 3 है। अब दूसरी जो आपने इसका ऑर्डर तरतीब चेंज की है, तो इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है, 4 है। तो कहते हैं आप ऑर्डर यानी इसकी तरतीब चेंज करेंगे तो आपके ये जो ए बी की वैल्यू होगी, फर्स्ट या सेकंड जो भी वैल्यू हो, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए वो कहता है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट। सेकंड नोट के अंदर वो कहता है इन अ रेशियो, किसी भी रेशियो के अंदर ए रेशियो बी, द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटेसिडेंट। ये जो पहली टर्म होगी ये आपके पास है, इसको एंटेसिडेंट, एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। इसकी कोई खास वजाहत की जरूरत नहीं है। ये असल में ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। अ रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो को कभी यूनिट नहीं होता। यूनिट कहाँ से होगा, चूंकि सेम यूनिट के अंदर मैयर की जाएंगी और फ्रैक्शन में आ जाती हैं। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में ये सेम यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट। कहते हैं प्रोपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज एक्सप्रेस, जो कि बयान की जाती है एज एन इक्वलेंस, बराबरी में, ऑफ 2 रेशोज, 2 रेशो की। यानी 2 रेशो जब बराबर लिखी जाए तो वो चीज़ शो करती है किसको, प्रोपोर्शन को शो करती है। कहते हैं इफ 2 रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल, अगर इक्वल हो देन वी कैन राइट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। बेसिकली प्रोपोर्शन, ये 4 ऐसे पॉइंट होते हैं, शायद आपको ये इंतहाई मद्धम नज़र आ रहे हो,
ये चार पॉइंट होते हैं ऐसे, ये किस चीज को शो करते हैं प्रोपोर्शन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर ये हैं, उधर मैं आपको बता दूंगा लास्ट क्वेश्चन के अंदर है 3.1 की। 3.1 आपकी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, जिसमें से लॉन्ग पिक नहीं करता। तो लॉन्ग आप जानते हैं, जैसे पिछली सीरीज जिसने हमारी देख रही है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाले जैसे जैसे आता जाता है साथ बताते जाते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये लॉन्ग के लिए है। तो 3.1 शॉर्ट के लिए है। एक्सरसाइज 3.1 आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पार्ट 1 है, कहता है 750 रुपीज़, अबाउ 1250 रुपीज़ आपने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 750 रेशो 1250, तो 0 से 0 कैंसिल, इसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो में भी रहने दें। उसके बाद 75 रेशो 125 आ जाएगा, तो 25 के टेबल से दोनों कट किए 3:5, बड़े आसान से ये हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कहते हैं 27 मिनट 30 सेकेंड, ये एक अमाउंट है, दूसरी है 1 आवर। तो इनको किसी एक ही यूनिट में रहने देना है, जैसे कि आपके पास सेकेंड इसमें रहने दें, मिनट्स में रहने दें, या सबको आर में लेके जाएं किसी एक यूनिट में सारी अमाउंट को। तो चूंकि सेकंड सबसे छोटा यूनिट है, यानी सेकंड सब में मौजूद है, मिनट्स में भी सेकंड होते हैं, आवर्स में भी सेकंड होते हैं, तो इस लिहाज से सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब 27 मिनट इसको आपने सेकंड में लेके जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में कितने सेकंड है प्लस 30 सेकंड, ये पहली अमाउंट हो गई। उसके बाद 1 आवर, यू नो 1 आवर है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट है 60 सेकेंड, तो एक जो घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर इसका किस में चला जाएगा, 1 आवर का सेकेंड्स के अंदर चला जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 30, ये आपका आंसर देगा 1650, और 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 3600। अगेन 0 से 0 कैंसिल एक, तो 165 रेशो 36, तो ये आपने कट कर देना है 5 से, तो पहले 33 रेशो 72 आएगा, फिर आप ये मेरे ख्याल में 3 से कट किया हुआ 11 रेशो 34 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों की क्लास है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 लड़कियाँ, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और बाकी जो बच जाते हैं वो लड़के हैं। कंप्यूट द रेशो ऑफ, पहले पार्ट में वो कहते हैं बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी रेशो फाइंड करें बॉयज़ की और टोटल स्टूडेंट्स की, दूसरे में बॉयज़ टू गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट 60, गर्ल्स 25, बॉयज़ यू नो टोटल में से 25 माइनस कर दें, तो रिमेनिंग बॉयज़ यानी 35। तो पहली अमाउंट जो आपकी रेशो है वो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट और बॉयज़ हैं 35 रेशो 60, जो कि टोटल हैं, तो ये एक टेबल से कट करने के बाद 5 के टेबल से कट किया, तो आपके 7:12। उसके बाद बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ हैं 35, गर्ल्स हैं 25, तो अगेन 5 टेबल से कट, 7:5। क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ हर लेक्चर में कि ये आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आपने ये चीज़ लिखनी होती है, ये जो क्वेश्चन होता है सिर्फ, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे इधर समझानी होती है स्टेटमेंट। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 ये हेडिंग देनी है, उसके बाद आंसर, और उसके बाद ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट। तो उसके बाद इफ़ 3 × 4x − 5y = 2x − 7y, फाइंड द रेशोज एक्स रेशो वाई। तो ये अमाउंट क्वेश्चन दोबारा लिखा, 3 × 4x − 5y = 2x − 7y, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12x − 15y आ जाएगा, उसके बाद = 2x − 7y, तो x आप एक साइड पे करेंगे, y एक साइड पे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अपना मकसद याद रखिएगा, x रेशो y, या दूसरे अल्फाज में x ओवर y, क्योंकि रेशो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आपने x एक साइड पे किया 12x − 2x, उसके बाद y दूसरी साइड पे ले गए −15y, इधर आके प्लस हो गया, तो −7y + 15y 12x − 2x क्या हो गया 10x, उसके बाद −7y + 15y आपके पास क्या आ गया 8y। तो चूंकि x रेशो y यानी x और y फाइंड करना है, तो y इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये x और y अलग हो जाएंगे, 8/10 अमाउंट अलग हो जाएगी जो क्वान्टिटी है। तो 8/10 आप एक टेबल से कट कर दें, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएँ, 2 के टेबल से कट करने के बाद ये क्या आ गया 4/5। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द रेशियोज ऑफ 2p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल। ये एक ये रेशियो है, दूसरी ये रेशियो है, कहता है ये दोनों इक्वल हैं जैसे आगे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। तो रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई हुआ 2p प्लस 5 से और 3 मल्टीप्लाई हुआ 3p प्लस 4 से, 4 अंदर मल्टीप्लाई 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो 8p प्लस 20 इज इक्वल टू 9p प्लस 12, 8p इधर जाके माइनस, तो 9p माइनस 8p हो गया। उसके बाद 12 इधर आके क्या हो जाएगा, 20 में से माइनस हो जाएगा। मैंने ये p लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, आप राइट हैंड साइड पे बाद में फिर आंसर में बेशक राइट पे ले आइएगा, नो इशू। तो आंसर आपका आता है p इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो कहते हैं सेम टू क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने अभी हल किया, इसी तरह आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, कहते हैं दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स की रेशियो आपके पास क्या है 5:8 रेशियो है, जब उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। कहते हैं इन दोनों नंबर्स के अंदर आप 9 ऐड करें, आप क्या ऐड करें 9। तो कहते हैं जो न्यू आपके पास रेशियो बनेगी ना, वो न्यू रेशियो आपके पास क्या होगी 8:11 होगी। तो लेट टू नंबर्स 5x, क्योंकि रेशियो यही थी जो आपके पास गिवन नंबर्स की रेशियो थी 5x 8x, क्योंकि नंबर आपने फाइंड करने हैं, तो नंबर फाइंड करने से पहले हम इनको लेट कर लेंगे। 5x 8x बाय कंडीशन, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके मुताबिक दोनों नंबर, यानी दोनों नंबर जो रेशियो फॉर्म में है 5x 8x, इनके अंदर 9 ऐड किया हमने, रेशियो को डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखा, तो 5x प्लस 9 ओवर 8x प्लस 9 इज इक्वल टू किस रेशियो के इक्वल आते हैं 8:11 के, यानी 8:11 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 5x प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा, 8 किस से मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 9 से, तो 11 5x प्लस 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद 55x प्लस 99, फिर 8 किस से मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 9 से, तो आपके पास क्या आएगा 64x प्लस 72। तो 64x में से 55x माइनस, उधर जाके माइनस, आप फ्रैक्शन के साइड पे लिखें उस साइड पे लिखें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वालिटी हैं, और 72 99 में से आके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 27, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3। आपका मेन मकसद था क्या था, फाइंड द नंबर्स, उन्होंने कहा था नंबर फाइंड करें, तो नंबर आपने जो लेट किए थे 5x और 8x थे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है 3, तो 5 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 15, 8 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 24। तो आप इनको बेशक पुट करके फिर 9 ऐड करके बाद इसकी रेशियो फाइंड करें, रेशियो सॉरी कहता हूँ इनकी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8:11 आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन की कंडीशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बड़ा इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, 5 kg ऑफ मैंगोज कास्ट 250 रुपीज़, यानी 5 किलोग्राम आमों की कीमत आपको दी हुई है 250 रुपये है, आपने 8 किलोग्राम आमों की कीमत मालूम करनी है। सिंपल सी बात है, 1 किलोग्राम आम की कीमत मालूम कर लेंगे, मैंगोज की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कास्ट ऑफ 5 kg मैंगोज 250 रुपीज़, कास्ट ऑफ 1 kg मैंगो 250 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 50 रुपीज़, तो कास्ट ऑफ 8 kg मैंगोज यानी 8 किलोग्राम आमों की कीमत 8 × 50 वो आपके पास क्या आ जाएगा 400 रुपीज़। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कहता है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, यानी आपके पास a ओवर b जो कि किसके इक्वल है 7:6 के इक्वल है ये आपके, क्योंकि रेशो आपको बार बार बताया किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जा सकती है, डेफिनेशन में भी आपने देखा था। तो कहता है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है 3a प्लस 5b रेशो को फ्रैक्शन में, 7b माइनस 5a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई डिवाइडिंग विद b, b से डिवाइड करने के बाद यानी नोमिनेटर फ्रैक्शन के ऊपर वाला भी, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे वाला भी, आपने b से डिवाइड किया तो 3 into a ओवर b, ये एक स्टेप शार्ट किया आपने, शार्ट ही रखने, अगर शार्ट क्वेश्चन है ये, 3 into a ओवर b प्लस 5b ओवर b ओवर 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b, ये b b से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये अकेला 5 और इसका अकेला 7 बचेगा। a ओवर b की आप क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, a ओवर b की वैल्यू आप पुट करेंगे जो कि आपके पास क्या है 7:6 है, तो 3
ए ओवर बी जो कि आपने पुट करने हैं 7 और 6 के, ए ओवर बी की जगह 7 और 6 पुट करेंगे, 3 × 7 और 6 प्लस 5 × 1, बी ओवर बी कैंसिल होकर 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी बी ओवर बी कैंसिल है, तो 7 × 1 माइनस 5 × 7/6, ए ओवर बी की वैल्यू 7/6 पुट की तो 3 7 से मल्टीप्लाई हो गया 21/6 प्लस 5, फिर 7 × 1 7 माइनस 3 7 से 5 7 से मल्टीप्लाई हो गया 35। तो ये एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है, तो आपके पास 21/6 प्लस 5 इसके एलसीएम 21 प्लस 30/6, तो 7 − 35/6 इसके एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 42 − 35/6। तो ये जो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है यानी 6 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, 21 प्लस 30 आपके पास क्या आ जाएगा 51, 42 − 35 आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 51/7 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इसका थर्ड पार्ट मैंने उठाया है, इसकी स्टेटमेंट है कहता है कंप्लीट दी फॉलोइंग, यानी आपको इस तरह की इक्वालिटी में कोई दे देगा और कहेगा ये चीज़ किसके इक्वल है। इसी तरह के क्वेश्चन है, 9PQ/12M इज इक्वल टू 18P/5M, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप जो भी इसके पार्ट होंगे, मेरे ख्याल में शायद 4 पार्ट हैं इसके या जितने भी हैं उन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर आपने जो चीज़ फाइंड करनी है जिस साइड पे फाइंड करनी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादातर होगी, तो वो चीज़ सिर्फ आपने अपनी कंप्लीट रखनी है, बाकी सारी चीज़ें उधर जाके डिवाइड करा देनी है। देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5M से 9PQ तो 45PQM, और 18P से 2LM मल्टीप्लाई किया 36PLM, तो आपको चूंकि चाहिए था 5Q यानी 45 में से आपने 5 बचाना है, तो लाजमी बात है 9 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 9 × 45 तो 9 से डिवाइड करने पड़ेगा, और आपको क्या बचाना है लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू बचाना है, तो पी और एम ख़त्म करना पड़ेगा, तो 9 PM से बोथ साइड आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो बाय डिवाइडिंग विद 9 PM यानी रात 9 बजे से आपने डिवाइड किया, तो 5Q इज इक्वल टू क्या बचा 4L, तो ये आपके पास जो ब्लैंक थी उसकी जगह क्या आ जाएगा यानी खाली जगह पे 4L आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से अक्सर जो स्टूडेंट्स की फरमाइश होती है कि जी ये वाला पार्ट समझाएं, तो वही मैंने पार्ट उठाया है, बाकी आपको अगर किसी और पार्ट में इशू हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें कहता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग, हर पार्ट के अंदर मेरे ख्याल में 6 शायद पार्ट हैं इसके, तो उसमें कहता है एक्स फाइंड करें, आपको इस तरह की प्रपोर्शन देगा, कहता है पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशियो एक्स प्रपोर्शन पी क्यू माइनस क्यू क्यू ओवर पी प्लस क्यू रेशियो पी माइनस क्यू एज ए होल स्केयर। तो रेशियो का आपको अच्छी तरह पता है कि फ्रैक्शन को कहते हैं, अगर आप फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एक ही बात है, या मीन प्रोडक्ट एक्सट्रीम प्रोडक्ट में करेंगे तब भी वही बात है, तो आपको चूंकि पीछे से फ्रैक्शन वाला चलता आ रहा है उसी तरह कर लें, तो एक्स के से मल्टीप्लाई होगा पी क्यू माइनस क्यू क्यू ओवर पी प्लस क्यू से, तो आपने फाइंड क्या करना है एक्स जो चीज़ फाइंड करनी है उससे अलहदा करना है, लाजमी बात है पी प्लस क्यू इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस पी माइनस क्यू एज ए होल स्केयर को क्या लिखा पी माइनस क्यू ये पी प्लस क्यू, ये इस साइड पे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, ये पी माइनस क्यू और पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये आपका फार्मूले में क्लोज हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये आपके पास क्या आ गया पी माइनस क्यू, ये फार्मूले में क्लोज हो गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब में, आगे जो इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है पी प्लस क्यू वो नेक्स्ट आ गया, और दूसरी साइड पे ये जो आपका पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब था ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये कैंसल आउट, पीछे क्या बचेगा पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू आपके पास फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो चूंकि ए आपके पास पी है बी क्यू है तो ये आपका एक्स किसके इक्वल आएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये आपका यूनिट 10 टेंथ सॉरी यूनिट 3 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 आज हमारी कंप्लीट हुई, तो हमारा पहला लेक्चर था, इसी तरह हमने 9th क्लास का यूनिट 3 स्टार्ट करना है, ये लेक्चर हमारा कुछ 2 दिन के गैप से आया है,
कुछ इशूज थे उस वजह से गैप आया। तो इंशाल्लाह बाकी हमारी सीरीज स्टार्ट रहेगी इसी तरह। तो 9th क्लास का भी यूनिट 3 स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। 10th क्लास के ये यूनिट आगे चलते जाएंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं किसी जगह पे इशू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।